हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन सुपर जी कैटरिंग। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 29 मई 2020 करेंट अफेयर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क ना पहनने व थूकने वालों पर कितने रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है? तो इसका सही आंसर है ए, राइट आंसर इज ए, 500 रुपये। तो यह है 500 रुपये, 500 रुपये का जुर्माना लगाएगी हरियाणा सरकार। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, तो हरियाणा के गृह मंत्री का नाम है अनिल विज, ने कहा है कि राज्य में कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास और पंचायत अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी, सचिव और स्थानीय निकायों के अन्य अधिकृत अधिकारियों के पास उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना लगाने का अधिकार है। वह जुर्माना नहीं भरने पर IPC की धारा 188 यानी लोक सेवक के आदेश की अवहेलना के तहत कार्रवाई होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्तर पर थूकने पर भी रोक लगाना जरूरी है। तो इसका सही आंसर है 500 रुपये, आपको ध्यान रखना है 500 रुपये का जुर्माना लगाएगी हरियाणा सरकार। और ये किस धारा के अंतर्गत, इसकी जुर्माना न भरने पर IPC की धारा 188, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फान डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है? तो ये रखा गया 750 अरब डॉलर, सही आंसर है बी, 750 अरब डॉलर, ये आंसर है आपका 750 अरब डॉलर। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में 750 अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है। अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए ऐतिहासिक योजना बनाई गई है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो यूरोपीय संघ के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोत्साहन पैकेज होगा। इसके जरिए पूरे यूरोप में प्लास्टिक, कार्बन उत्सर्जन और बड़ी तकनीकी कंपनियों पर टैक्स की भी शुरुआत होगी, जो संघ की ताकत को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? नाइजर गणराज्य भारत के नया राजदूत, इनका नाम है PK नायर, सही आंसर है सी, PK नायर। राजदूत से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, नाइजर गणराज्य PK नायर, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। केंद्र सरकार ने PK नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। वह वर्तमान में हम्बन टोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात हैं। उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की संभावना है। उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? ते मिला है वियतनाम को, सही आंसर है डी, वियतनाम, 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। वियतनाम ने हाल ही में ASI को बलुआ पत्थर से बना एक विशाल शिवलिंग खुदाई में मिला है। इस शिवलिंग के मिलने की जानकारी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तस्वीरों के साथ साझा की है। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का बेहद खूबसूरत और शांत देश माना जाता है। भारत के साथ भी इसके संबंध बहुत पुराने समय से हैं। यह 13वीं शताब्दी तक की बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित बेहद खूबसूरत कलाकृतियाँ पहले भी मिली हैं। माई सोन मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान यह शिवलिंग ASI को मिला है। इसका सही आंसर है वियतनाम। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं? तो इनका नाम है नाओमी ओसाका, ये जापान की, इनका नाम को ध्यान रखना चाहिए, नाओमी ओसाका, जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका अब विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। फोर्स के अनुसार उन्होंने पिछले 12 महीने में 3,74,00,000 डॉलर की कमाई की है। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन इस एशियाई स्टार ने अपने अमेरिकी प्रतिद्वंदी सेरेना विलियम्स को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है।
सेरेना ने पिछले एक साल में पुरस्कार राशि की और विज्ञापन से ओसाका की तुलना में $14 लाख की कम कमाई की है। मतलब कि ये $14 लाख पीछे हैं ओसाका से सेरेना विलियम्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? ये है महाराष्ट्र सरकार। सही आंसर है सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में निरंतर बढ़ती कोरोना रोगियों की संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। इन अस्पतालों के 80% बिस्तरों का उपयोग राज्य सरकार COVID-19 के रोगियों के लिए कर सकती है। सरकार ने न सिर्फ निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है बल्कि वहाँ काम करने वाले चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ पर भी अत्यावश्यक सेवा कानून मेस्मा लागू करने का निर्णय लिया है। यानी इस अस्पताल के स्टाफ को अपनी सेवाएं देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोविड और नॉन कोविड रोगियों के लिए इन अस्पतालों में लिए जाने वाले शुल्क भी सरकार निर्धारित कर दिया है ताकि रोगियों को अस्पतालों की मनमानी से बचाया जा सके। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय बहुउद्योग कंपनी आईटीसी ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को कितने % हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है? तो इसका सही आंसर है 100%। सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पश्चिम बंगाल में संगठित मसाला उद्योग की एक महत्वपूर्ण इकाई है। कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की संगठित मसाला उद्योग। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इसका राजस्व 25.5% बढ़कर 502 करोड़ रुपये हो गया था। इस संबंध में आईटीसी द्वारा की घोषणा के अनुसार अधिग्रहण का यह निर्णय वर्ष 2030 तक अपने FMCG कारोबार से राजस्व में 1 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आईटीसी भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र की कंपनियों में से एक है। आठवां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख फार्मिंग को कृषि गतिविधियों को घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है डी, छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार इस प्रकार का निर्णय राज्य के किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। विदित हो कि राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने के बाद लाख उत्पादन से जुड़े किसान भी अन्य किसानों की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से आसान ऋण प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ भारत में लाख के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती की अपार संभावनाएँ हैं। नवा क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है ए, उत्तराखंड। ये उत्तराखंड है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया। इस अक्टूबर में इस सुरंग का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO ने उत्तराखंड की चार धाम परियोजनाओं के तहत किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि ऑल वेदर रोड परियोजना का काम जल्द पूरा होने के बाद चार धाम यात्रा सुगम हो सकेगी। तो उद्घाटन किया नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में चंबा सुरंग, ध्यान रखना है आपको। दसवां क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? तो इनका नाम है मीराबाई चानू। सही आंसर है डी, मीराबाई चानू। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है। महासंघ ने चानू, रगाला वेंकट, राहुल और पूनम यादव के नाम भेजे हैं। मीराबाई चानू को साल 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ खेल रत्न मिला था। उन्हें उसी साल पद्मश्री सम्मान भी दिया गया। इनका नाम है मीराबाई चानू। अब हम क्विज का प्रश्न देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं? ऑप्शन है आपके ए, नाओमी ओसाका, बी, सेरेना विलियम्स, सी, मारिया शारापोवा, डी, इनमें से कोई नहीं। कुछ के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा।